फाइनली आईपीएल 2020 में आज का हाई वोल्टेज मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खत्म हो चुका है। और इस मैच के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2020 में आज का लेटेस्ट पॉइंट टेबल बताएंगे, जहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी चार टीमें प्ले ऑफ में पूरी तरीके से पहुंच चुकी है और इसके साथ ही कौन कौन सी चार टीमें प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर चुकी है, और साथ ही साथ पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2020 में चैंपियन बने, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले समय में आपको प्रत्येक दिन आईपीएल 2020 का पॉइंट टेबल यूट्यूब पर सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल 2020 के मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, तो क्रिकेट टिप्स बाय रोहित के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। उनका सभी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीएल 2020 में आज के नए और लेटेस्ट पॉइंट टेबल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं आठवें पोजिशन के बारे में। तो यहाँ पर आ चुकी है एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में चेन्नई की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 4 बार चेन्नई की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 8 बार चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट -0.602 है, और चेन्नई पहली ऐसी ऑफिशियल टीम चुकी है जो कि आईपीएल 2020 के प्लेऑफ के दौर से पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सातवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली और इसके साथ ही आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम, और अभी तक आईपीएल 2020 में राजस्थान की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 5 बार राजस्थान की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 7 बार राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो राजस्थान का नेट रन रेट -0.505 है, जो कि राजस्थान के फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि यहां पर से राजस्थान की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेट रन रेट होना चाहिए, जो कि इस टीम का सबसे खराब है। तो यहां पर से राजस्थान की टीम भी लगभग आईपीएल 2020 के प्लेऑफ से पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। और इस टीम के प्लेऑफ में जाने के चांसेस के बारे में बात करें तो यहां पर लगभग 10% के आसपास चांस है कि राजस्थान की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में आपको क्वालिफाई करती हुई नजर आ जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं छठवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद की टीम, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में हैदराबाद की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 5 बार एसआरएच की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 7 बार हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ सनराइजर हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट +0.396 है, जो कि हैदराबाद के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। और इस तरीके से हैदराबाद की टीम अभी भी आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, इसके लिए इनको बाकी बचे सभी मैच जीतने पड़ेंगे और इसके साथ ही नेट रन रेट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पांचवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली और इसके साथ ही 2 बार की चैंपियन यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और अभी तक आईपीएल 2020 में केकेआर की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 6 बार कोलकाता की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 6 बार केकेआर को हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 6 मैच जीत करके केकेआर की टीम 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में फिलहाल 5वें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के
मौजूदा नेट अंडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर केकेआर के फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इस टीम का नेट अंडेट -0.479 है, जो कि बहुत ही खराब नेट अंडेट माना जाता है। तो ऐसे में केकेआर की टीम को बाकी बचे दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही केकेआर की टीम आईपीएल 2020 के प्ले ऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दे। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पर जबरदस्त वापसी कर चुकी है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, जहाँ पर अभी तक आईपीएल 2020 में पंजाब की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 6 बार की एक्साईपी की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 6 बार किंग्स इलेवन पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ किंग्स इलेवन पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के मौजूदा नेट अंडेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट अंडेट फिलहाल -0.049 है, जो कि केएक्सआईपी के फैंस के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि इनका नेट अंडेट बहुत ही ज्यादा खराब नहीं है। तो ऐसे में केएक्सआईपी की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, इसके लिए इनको बाकी बचे सभी मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही पंजाब की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं तीसरे पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है विराट कोहली की कप्तानी वाली और इसके साथ ही आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और अभी तक आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 7 बार आरसीबी की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 5 बार आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर मौजूद है, और यहां पर से आरसीबी की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 2 में से सिर्फ 1 मैच जीतने पड़ेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग यहां पर आसानी से आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली और इसके साथ ही आईपीएल 2020 में अब तक की सबसे सफल टीमों में से एक यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और दिल्ली की टीम ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 7 बार दिल्ली की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 5 बार दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है, और यहां पर से दिल्ली की टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 1 जीत की जरूरत है, यानी कि दिल्ली की टीम जो है वो प्लेऑफ में जाने से सिर्फ 1 कदम दूर है। तो आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दे। और दिल्ली के प्लेऑफ में जाने के पॉसिबल चांस के बारे में बात करें तो यहां पर लगभग 90% के आसपास चांस है कि दिल्ली की टीम आसानी से आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में आपको क्वालिफाई करती हुई नजर आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है 4 बार की चैंपियन और इसके साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली और साथ ही साथ डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में मुंबई की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 8 बार मुंबई की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 4 बार मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है। और आज खेले गए एक रोमांचक T20 मैच में मुंबई की टीम ने आरसीबी को हरा दिया, और इस जीत के बाद मुंबई पहली ऐसी टीम बन चुकी है जो कि ऑफिशियल तौर पर आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, यानी कि मुंबई की टीम अब प्लेऑफ में जाने वाली आईपीएल 2020 की पहली टीम बन चुकी है। और इस टीम के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट +1.3 है, यानी कि नेट रन रेट भी पॉइंट टेबल में सबसे बेटर है। तो ऐसे में मुंबई की टीम आईपीएल 2020 में अभी तक सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इस बार फिर से चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दे। और आपको क्या लगता है, कौन सी 4 टीमें आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली है? आप ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मुंबई, दिल्ली, आरसीबी और इसके साथ ही पंजाब की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि अभी तक आईपीएल 2020 में किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और इसके साथ ही किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं ऑरेंज कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि किस बल्लेबाज ने अभी तक आईपीएल 2020 में सबसे अधिक स्कोर किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर के प्लेयर हैं वह हैदराबाद के कैप्टन डेविड वार्नर, जो कि अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 12 मैच
खेल चुके हैं और 12 मैचों में डेविड वार्नर टोटल 436 रन बना चुके हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में, तो यहां पर है दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन, जो कि अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 12 मैच खेल चुके हैं और 12 मैचों में 471 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में शिखर धवन फिलहाल दूसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में, तो यहां पर है किंग्स इलेवन पंजाब के कैप्टन केएल राहुल, जो कि अभी तक आईपीएल 2020 में 12 मैचों में 59.50 के बेहतरीन औसत के साथ 595 रन बना चुके हैं और इस तरीके से वह ऑरेंज कैप की रेस में पहले पोजीशन पर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं पर्पल कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर के प्लेयर हैं वह किंग्स इलेवन पंजाब के स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर यानी कि मोहम्मद सामी, और सामी ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 12 मैच खेले हैं और 12 मैचों में 20 विकेट के साथ मोहम्मद सामी जो है वो ऑरेंज के पर्पल कैप की रेस में तीसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में, तो यहां पर आ चुके हैं जसप्रीत बुमराह, जहां पर आज खेले गए एक शानदार टी20 मैच में बुमराह ने टोटल 3 विकेट हासिल किए हैं और इस तरीके से वह 12 मैचों में 20 विकेटों के साथ पर्पल कैप की रेस में दूसरे पोजीशन पर आ चुके हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में, तो यहां पर आ चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर यानी कि कैगिसो रबाडा, और रबाडा अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 12 मैच खेल चुके हैं और 12 मैचों में 23 विकेटों के साथ कैगिसो रबाडा पर्पल कैप की रेस में फिलहाल पहले पोजीशन पर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही था आईपीएल 2020 में आज का लेटेस्ट पॉइंट टेबल और इसके साथ ही पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले समय में आपको आईपीएल का लेटेस्ट पॉइंट टेबल यूट्यूब पर सबसे पहले देखने को मिलती रहे और साथ ही साथ क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए क्रिकेट टिप्स बाय रोहित के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।